ये कहानी है श्री कृष्णपुर नाम के एक गांव की। उस छोटे से गांव में शारदा और शंकर नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी एक बेटी थी बेबी और एक बेटा भी था बाबू। उनका परिवार बिना तकलीफों और मुसीबतों के चल रहा था। यूं दिन बीत रहे थे। माँ अपने दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। ऐसे में एक दिन उनके घर पर पूजा रखी गई। शारदा पूरी श्रद्धा से भगवान से कुछ मांग रही थी। क्या बात है श्रीमती शारदा जी, आज भगवान को बहुत मस्का लगाया जा रहा है। मैं भगवान से भला और क्या मांगूंगी, आप बच्चे और हम सब हमेशा यूं ही खुश रहे इसी का आशीर्वाद मांग रही थी। अपनी पत्नी की बातें सुन शंकर मुस्कुराया और किसानी करने के लिए चला गया। बेबी ने अपने माँ से पूछा, माँ मैं खेलने के लिए जा रही हूँ। ऐसा कहकर बेबी भी खेलने बाहर निकल गई। फिर शारदा घर के कामों में लग गई। बेटा आराम से सो रहा था। इतने में अचानक भूकंप आ गया। बच्चा कंपन से घबरा गया। माँ ने उसे अपने सीने से लगाया। वो जैसे ही घर से बाहर निकलना चाहती थी अचानक कंपन से घर की छत टूटकर उस पर गिर पड़ी। अपने बच्चे को बचाने के लिए उसने उसे कसकर अपने आंचल में पकड़ा। उस गांव के कई घर इसी तरह ढह गए जिससे कईयों की मृत्यु हुई थी। उस समय जो भी घर के बाहर था वे सभी हादसे से बच गए थे, पर जो भी घर के भीतर था वो इस हादसे के शिकार हो चुके थे। बेबी दौड़कर घर पहुंची और वहां का दृश्य देखकर घबराकर रोने लगी। माँ भाई मेरा माँ कहकर वो रोने लगी। शंकर भी दौड़कर घर पहुंचा। तब तक गांव वालों ने उन पत्थरों को हटाकर उन दोनों को बचाने की कोशिश की। शारदा और उस बच्चे को सभी ने मिलकर बाहर निकाला, पर शारदा मर चुकी थी। पर अपने बच्चे को एक भी चोट लगने नहीं दी थी उसने। अपने बच्चे की प्राणों की रक्षा करने के लिए ही माँ ने अपनी जान को जोखिम में डाला था और वो उसमें सफल हो चुकी थी। बेबी अपनी माँ को देखकर, माँ और जाओ ना माँ, माँ को उठाओ ना पापा, माँ भाई रो रहा है, माँ एक बार उठ जाओ ना माँ। शंकर की जैसे दुनिया उजड़ गई। वो अपने दोनों बच्चों को पास लेकर रोए जा रहा था। सारा गांव शोक में डूबा हुआ था। अंतिम संस्कार की विधि पूरी की गई। कुछ समय के बीतने के बाद गांव वालों ने फिर से अपना घर बना लिया और हमेशा की तरह अपने अपने कामों में व्यस्त होने लगे। बेबी अपने भाई और पिता का ध्यान रखने के लिए घर पर ही रहकर काम करने लगी। पर शंकर को अब भी अपनी पत्नी की याद सताती थी। वो जैसे उससे बात किया करता था। शारदा मैं भी तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। यूं भीतर ही भीतर वो टूट रहा था। बेबी ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी ताकि वो अपने भाई और पापा के लिए घर का काम कर उन्हें खाना बनाकर खिला सके। आस पड़ोस वाले भी उनकी ये हालत देखकर बहुत दुखी हुआ करते थे। तब वे सभी इकट्ठे होकर यूं बात करते थे, इस मुए भूकंप ने तो कैसा अनर्थ कर दिया, कितनों को अपने पेट में समा लिया उसने, नुकसान तो किया ही। बेचारे उस शंकर की अपनी पत्नी और बच्चों में जान बसी है। पत्नी के मरने के बाद बेचारी उस बेबी ने स्कूल छोड़ दिया और घर संभाल रही है। अपने नन्हे से भाई की माँ बनकर उसकी परवरिश कर रही है। ऐसे हालात तो दुश्मन के भी ना हो। यूं गांव वाले उनके बारे में बात किया करते थे। पिता हमेशा की तरह खेती के काम पर निकले और बेबी घर का काम कर रही थी। घर में नन्हा सा भाई खेल रहा था। चूल्हे पर पानी चढ़ाकर बेबी आंगन में बर्तन धो रही थी। अपने भाई को गर्म पानी से नहलाने के लिए वो जल्दी जल्दी अपना काम निपटाना चाहती थी। इस चक्कर में वो अपने भाई को भूल ही गई। उसका नन्हा सा भाई खेलते खेलते लकड़ी के चूल्हे के पास आ गया। जैसे ही भाई उस आग में हाथ लगाने वाला था बेबी ने पीछे मुड़कर देखा। भाई कहकर वो दौड़ती हुई आई और अपने भाई को उठा लिया। बेबी ने गहरी सांस ली। बापरे कितना बड़ा हादसा होते होते रह गया, मैं तो काम में पूरी तरह से डूब गई थी, ना जाने कैसे मैंने पीछे मुड़कर देखा। यूं वह भगवान का आभार मानने लगी। फिर बेबी ने अपने भाई को नहलाया और उसे अच्छे से सुला दिया। बहुत समय बीत जाने के बाद एक आदमी बेबी के घर आया। बेटा बेबी, खेत में तुम्हारे बाबूजी ने जहर खाकर खुद की जान दे दी है। ये खबर सुनते ही बेबी के होश उड़ गए। पापा! अपने बाबूजी को देखने के लिए बेबी वहां से दौड़ी। गांव वाले शंकर के देह को वहां पर ले आए थे। पापा ये आपने क्या किया पापा, आपने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा,
अब आप भी नहीं रहोगे तो मैं और भाई क्या करेंगे पापा। वो फूट फूट कर रोने लगी। आस पड़ोस वाले भी बात कर रहे थे, ये शंकर ने कैसा कदम उठा लिया, क्या जिसकी भी पत्नी दुनिया छोड़कर जाती है पति भी पीछे पीछे चल पड़ता है, एक बार भी बच्चों के बारे में नहीं सोचा, उन बच्चों के साथ तो अन्याय हो गया। यूं सभी दुखी हो रहे थे। बेबी रो रही थी, बाबूजी एक बार उठ जाओ बाबूजी बाबूजी। यूं वो चीख चीख कर रोने लगी। अंतिम संस्कार की विधि पूरी की गई। बेबी एक अकेली इस पूरी दुनिया में अपने भाई की परवरिश कैसे करेगी, वो कैसे जिएगी, ये सोचकर घबरा रही थी। गांव वालों की मदद से बेबी ने सब्जियों की फसल डाली और उसकी देखभाल करने लगी थी। सब्जियां अच्छी उगी थी जिसके उसे अच्छे पैसे मिले। बेबी ने अपने मुश्किल जिंदगी से सीखा था कैसे हालातों का डटकर सामना करे, कैसे आत्मनिर्भर बने। यूं ही बरसों बीत गए। अब बेबी का भाई बहुत बड़ा बन चुका था। बेबी ने उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाकर बड़ा अफसर बनाया था। भाई ने अपने दीदी से कहा, दीदी बिना माँ के भी तुमने मुझे माँ बनकर पाला है, मुझे पढ़ा लिखा कर अफसर बनाया है, अब तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं, मुझे नौकरी मिल चुकी है, महीने का 1,00,000 रुपए वेतन मिलेगा। अपने भाई से ये बात जानते ही बहन बहुत खुश हुई। तूने कितनी अच्छी खबर सुनाई है, आज तुझे ऐसे देखकर बहुत खुशी हो रही है, इतने सालों की मेहनत जैसे एक पल में फुर हो गई। यूं दोनों भाई बहन बहुत खुश हो रहे थे। दीदी चलो अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, शहर में अच्छा सा घर लेकर वहीं रहेंगे, फिर एक नेक लड़के से तुम्हारी शादी कराऊंगा। ये बात सुनते ही बेबी शर्मा गई। उन्होंने अपनी खेती पट्टे पर दे दी और वहां से शहर के लिए निकले। शहर में उन्होंने अच्छा सा घर लिया। आखिरकार अपने बहन को खुशियां दे पाने का सुख भाई को मिल गया। वो अपनी जिंदगी में बहुत सफल हो रहा था। अपने भाई को इस तरह बढ़ता हुआ देखकर बहन बहुत खुश हो रही थी। उन दोनों की आंखें ये सोचकर नम हुई कि अगर माता पिता जिंदा होते तो वे दोनों भी बहुत खुश होते। बेबी अकेले रहा करती थी। वो जलेबी का व्यापार करती थी। रेलवे स्टेशन पर जाकर, भैया गरम गरम जलेबी, बहनों गर्मा गरम जलेबी ले लो, गर्मा गरम जलेबी ले लो, इस तरह जलेबी बेचकर अपना गुजारा किया करती थी। एक दिन हर रोज की तरह बेबी रेलवे स्टेशन जा रही थी। जब वो प्लेटफॉर्म पर खड़ी जलेबी बेच रही थी तब उसने देखा एक नन्हा सा बच्चा रो रहा था। तब बेबी ने, अरे ये क्या, किसका बच्चा है ये, ये सोचकर वो चारों ओर देखने लगी। तभी उस बच्चे की माँ वहाँ पर आई। ये बच्चा मेरा है, वो इसे बहुत भूख लगी थी ना, यहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं था इसलिए स्टेशन के बाहर कुछ ढूंढने गई थी। आप इस तरह से छोड़कर जाएंगी तो वो घबरा जाएगा ना, उस पर माँ कुछ न कह पाई। कुछ सोचकर उस औरत ने कहा, क्या तुम 2 मिनट के लिए इसे संभालोगी, मैं यहीं आसपास कहीं दूध मिलता हो तो देख कर आती हूँ। उस औरत के पूछने पर बेबी ने कहा, ठीक है लेकिन आप जल्दी आ जाइए, मुझे अपना काम भी करना है। उस औरत ने हामी भरी और वहाँ से चली गई। बेबी उस बच्चे के साथ अच्छे से खेल रही थी। उस बच्चे की माँ उसे दूर से देखकर खुश होकर वहाँ से चली गई। बहुत समय बीत गया पर उस बच्चे की माँ वापस नहीं लौटी। बेबी घबरा गई। उस नन्हे से बच्चे को गोदी में उठाकर, इतनी देर होने के बाद भी वो अभी तक क्यों नहीं लौटी, कहाँ गई होगी, वो परेशान होकर उसकी माँ को हर तरफ ढूंढने लगी। हर जगह ढूंढने पर भी जब उसकी माँ उसे नहीं मिली तब, ये कैसी औरत थी जो अपने ही बच्चे को छोड़कर चली गई। इस तरह वो बहुत देर तक उसका इंतजार करती रही पर वो वापस नहीं लौटी। अब बेबी ये समझ गई थी कि उस औरत ने जानबूझकर बच्चे को यहाँ छोड़ दिया था। बेबी ने बच्चे की ओर देखकर कहा, ना जाने ये माँ बाप बच्चे को पैदा क्यों करते हैं और उन्हें इस तरह सड़क पर छोड़कर अनाथ बना देते हैं। हे भगवान, देखो नन्हे भाई अब मैं ही तुम्हारी माँ भी हूँ, चलो अब घर चलते हैं। बेबी उस बच्चे को लिए अपने घर चली गई। घर पहुंचकर उस बच्चे को खाना खिलाने लगी पर वो बच्चा नहीं खा रहा था, अपनी माँ के लिए रोए जा रहा था। हे भगवान क्या करूँ मैं अब, ये तो कुछ भी नहीं खा रहा। फिर किसी तरह उसे बहला फुसला कर दूध पिला देती है। अकेली रहने वाली बेबी को अब उस बच्चे का साथ मिल गया था इससे वो खुश थी, पर अपने बच्चे को इस तरह छोड़ने पर उस माँ को वो कोसा करती। अगली सुबह बेबी ने जल्दी जल्दी जलेबियाँ बनाई, उन्हें बेचने के लिए अपने साथ बच्चे को भी गोद में लेकर वो रेलवे स्टेशन पहुंची।
गर्मा गर्म जलेबी, गर्मा गर्म जलेबी, भाइयों बहनों ले लो गर्मा गर्म जलेबी। वो जलेबियाँ बेचने लगी। अब यही बेबी की दिनचर्या थी। बेबी अच्छे से अपना काम किया करती और साथ ही साथ उस नन्हे से बच्चे का ध्यान रखा करती। एक दिन उस बच्चे को तेज बुखार चढ़ गया। बेबी बहुत घबरा गई। इसका बदन तो बहुत तप रहा है, लगता है इसे बुखार चढ़ गया है। बेबी तुरंत उस बच्चे को लेकर पास वाले अस्पताल गई। जैसे ही वो अस्पताल पहुंची, वो चौंक गई। वो आप ही थी ना जो इस नन्हे से बच्चे को स्टेशन पर छोड़ गई थी। आप जानते हो ये बच्चा अपनी माँ के लिए कितना रो रहा है। आपको जब बच्चे संभालने ही नहीं थे तो आपने उन्हें जन्म क्यों दिया। इस तरह मन मानी उसे डांटी जा रही थी। तब डॉक्टर ने उससे कहा, बेटा तुम नहीं जानती ना कि सच्चाई क्या है, तुम चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर उसे दूसरी जगह ले जाती है। बात क्या है, हुआ क्या है, बताइए ना मुझे। तब डॉक्टर ने कहा, जैसा तुम सोच रही हो ये बच्चा मेरा नहीं है, ये एक अमीर परिवार का बेटा है जो मेरी सहेली है। कई लोग इस नन्ही सी जान की जिंदगी खत्म करने पर तुले हैं क्योंकि उनकी पूरी जायदाद इसी के नाम होने वाली है। इसी कारण कई लोग इसके जान के पीछे पड़े हैं। इससे पहले भी जन्मे हुए उसके और बच्चों को उन्होंने ऐसे ही मार दिया। अपने बच्चे को उस खतरे से बाहर करने के लिए मेरी सहेली ने इस बच्चे को मुझे सौंपा। मैं इस नन्हे से बच्चे को लेकर किसी दूसरे शहर के लिए निकल रही थी पर उन लोगों ने मुझे देख लिया, इसीलिए उस बच्चे को तुम्हारे पास छोड़कर मुझे जाना पड़ा। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की पर तुम नहीं मिली। ओह तो ऐसी बात है, कोई बात नहीं, मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी, ऐसे बेबी ने कहा। देखो बेटा तुम इसका अच्छे से ध्यान रखना, तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। डॉक्टर की बात पर बेबी ने हामी भरी। बच्चे का इलाज करवा कर उसकी दवाइयां लेकर वो घर पहुंची। हर रोज की तरह बेबी जलेबियां बनाकर उन्हें बेचने का काम करने लगी। उस बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगी। कुछ दिनों के बीत जाने के बाद डॉक्टर ने बेबी से कहा, बेटा बेबी तुम्हारा यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खूब पढ़ाऊंगी। डॉक्टर के ये कहने पर बेबी मान गई। फिर तीनों मिलकर किसी दूसरे गांव बसने के लिए चले जाते हैं। बेबी अब स्कूल जाने लगी और डॉक्टर बच्चे का ध्यान रखा करती। बेबी मन लगाकर पढ़ाई किया करती और अपना अच्छा नाम बना रही थी। इस बात के लिए डॉक्टर बेबी की बहुत सराहना करने लगी। ना जाने भगवान ने आपको हमारे पास क्यों भेजा है, बिना माँ की मुझ जैसी लड़की को एक माँ मिल गई। कल तक ना जाने मैं क्या कर रही थी पर आज पढ़ाई भी कर रही हूँ। बेबी ये कहते कहते रोने लगी। रो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुम्हारी अच्छे से देखभाल करूंगी। उस डॉक्टर ने प्यार से दोनों को अपने पास लिया। यो दिन बीत रहे थे तब डॉक्टर ने मन ही मन भगवान से कहा, भगवान हमारी जिंदगी अच्छे से चल रही है, बस इतनी कृपा रखना कि कोई मुसीबत ना आए। ऐसे वो भगवान से प्रार्थना करने लगी। कुछ और दिनों के बीच जाने के बाद उस बच्चे की माँ वहाँ पर आई। शारदा कैसी हो तुम, और मेरा बेटा कैसा है। शांति तुम्हारा बेटा बहुत बढ़िया है, देखो ये वही लड़की है बेबी जिसने तुम्हारे बेटे को संभाला। ये कहते ही उसने बेबी की ओर देखा। बहुत खुश होते हुए बोली, बेटा मेरे बच्चे का ध्यान रखने के लिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद। तुम्हारे माँ बाबू जी कहाँ रहते हैं। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ, ऐसा कहकर उसे थोड़ी दूर ले जाती है। बेबी के माता पिता नहीं है, वो जलेबी का व्यापार कर अपना गुजारा करती है। बेबी की सच्चाई जानने के बाद शांति ने कहा, पर मेरे बेटे के लिए तूने जो भी किया है उसके लिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद दोस्त। अब सारी तकलीफें दूर हो चुकी हैं। जिन लोगों ने भी मेरे बच्चे की जान लेने की कोशिश की अब वो जेल में सड़ रहे हैं, इसीलिए मैं अब अपने बच्चे को ले जाने आई हूँ। शारदा उदास हुई और कुछ सोचकर उसने कहा, अब तेरा बेटा मेरा हो चुका है, बेबी भी उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, अब उसे तुम्हारे साथ भेजना हमारे लिए तकलीफ देह होगा। शांति इस पर कुछ न कह पाई। शारदा ने उसके बच्चे को उसे सौंप दिया पर उसका बच्चा रो रहा था। शारदा की ओर देखते हुए कहने लगा। ये देख शांति ने कहा, शारदा मेरा बेटा मेरे पास आने के लिए तैयार नहीं है। इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि तूने इसे कितना प्यार दिया है। मैं अपने बच्चे को यहीं पर छोड़ जाऊंगी, इसका अच्छे से ध्यान रखना, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। इस पर शारदा कुछ कहने की कोशिश कर रही थी पर शांति ने उसे रोक दिया। शारदा अब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ।
शांति अपने बच्चे और बेबी के गले लगकर उनसे विदाई लेकर वहाँ से चली जाती है। अब वे तीनों साथ में खुश रह रहे थे।